दिवाली पे क्या क्या करते हो? मैं पटाखे फोड़ता हूँ और पापा फोड़ता हूँ और दिए नहीं लगाते हो? दिए लगाता हूँ। और क्या करते हो? और मैं हाँ घर के अंदर दिए घर के अंदर। और नाश्ता कौन कौन सा पसंद है आपको दिवाली पर? पाव भाजी। पाव भाजी दिवाली पर नाश्ता ही? मम्मा ने क्या क्या बनाया नाश्ता? मम्मा ने क्या बनाया बताओगे? बताओ नहीं। ओके कोई बात नहीं, मम्मा बता देगी। ठीक है, चलो सबको बाय बाय। मम्मा ने नाश्ते में क्या क्या बनाया? हमने आज कलर कोऑर्डिनेट करा है, हमने तीनों ने पिंक पिंक पहना है। कौन सा कलर पहना है हमने? पिंक पिंक। अच्छा आपके जैसा कौन दिख रहा है, पापा या मम्मा? पापा। और मम्मा? मम्मा भी तो पिंक पहने। मम्मा ने पिंक पहना। तब मम्मा ने भाई कुछ नहीं पहना। अच्छा अच्छा, भाई कुछ नहीं पहना है, कोई बात नहीं। चलो वहाँ का ये सूर्य कोटि समा प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्व कार्ये सर्वदा। तो दियो की पूजा हो चुकी है, अब मैं अपने पूरे घर में दिए लगाऊंगी। और ये देखिए मेरी प्यारी सी रंगोली जो मैंने घर के बाहर बनाई है, तो मुझे ज़्यादा टाइम मिला नहीं तो मैं बस छोटी सी रंगोली बनाई है और ऊपर लिखा है शुभ धनतेरस। और अब मैं आपको जो मेरा घर है वो मैंने दिवाली के लिए रेडी कर लिया है, थोड़ा वो डेकोरेट करा है। तो चलिए मैं आपको लिविंग रूम बताती हूँ। तो मैंने एंट्री गेट पे ये फूलों की लड़ी लगाई है और ऊपर शुभ दिवाली का तोरण लगाया है, ये मैंने यहीं से लिया था। और ये शुभ और लाभ के स्टिकर्स हैं जो मेन डोर पे लगाए हैं, ये मैं इंडिया से लेकर आई थी इस बार गई थी तो। और यहाँ पर जो हैंगिंग्स है वो मैंने लास्ट ईयर खरीदे थे, बहुत ही वाइब्रेंट लगते, बहुत कलर्स बहुत वाइब्रेंट है इसके। और ये मैंने ग्लास के अंदर फ्रिल लगा दी है गोल्डन कलर की और उसके ऊपर दिए रख दिए, तो बहुत ही प्यारा लुक देता है। और यहाँ पर ये मेरा पहले भी लगा हुआ था जय श्री कृष्ण का पोस्टर। तो जब तक ना ऐसी लाइट्स नहीं लगाऊँ ना घर में तो वो दिवाली वाली फील ही नहीं आती। तो मैंने घर में ऐसे तीन चार जगह सीरीज लाइट्स लगा दिए। ये मेरा प्यारा सा मंदिर और ये है मेरे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल और ये है लक्ष्मी माता। तो बस अब इनकी पूजा करते हैं। और इनको जिन पे विराजा है ना वो सिंहासन भी मैंने घर पे बनाया था पेपर पेन से। और ये है आइलैंड, तो आइलैंड पे मैंने अभी कम ही दिए लगाए हैं क्योंकि जब मेन दिवाली आएगी ना, जब मैं बहुत सारे दिए लगाऊंगी तो यह पूरा दियो से डेकोरेट करूंगी। और यहाँ पर पेटियों में मैंने एक और रंगोली बनाई है, तो यहाँ पे धनतेरस है तो ऐसे मैंने सिक्के की डिज़ाइन भी लगा दी है। और ये पेटियों में भी मैंने लाइट्स लगाई है। और बस यही है, बस इतना सा डेकोरेशन प्यारा सा। आप सभी को हमारी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो आज है धनतेरस और मेरे दिए लग चुके हैं और पूजा की भी ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, बस प्रसाद बनाना बाकी है। तो मैं आज प्रसाद में बनाने जा रही हूँ हलवा। तो बनाते हैं प्रसाद और फिर करते हैं पूजा। हो गया है आटे का हलवा तैयार। तो मैंने हमारे यहाँ पे भगवान माता जी को धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन ये धानी का भोग लगता है, ये इसको क्या बोलते हैं आप लोग, कोई लोग खील बोलते हैं और पताशे। तो यहाँ पर हमें वो कोटेड खील ही मिल गई तो मैं वो लेके आई। और ये गुड़ धने का भोग भी लगता है। तो बस अब हम शुरू करते हैं आरती। माता
और ये है अभियान का दिवाली का सबसे फेवरेट पार्ट, पटाखे फोड़ना। पर ना यहाँ पर हम ऐसे पटाखे नहीं फोड़ सकते, आई मीन मिलते तो हैं पर हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं और पता नहीं कोई कंप्लेन कर दे कि आवाज़ आ रही है, तो हम सिर्फ फुलझड़ी और बस ये जो फुलझड़ी है और एक पॉपा है, एक पार्टी पॉपर्स, बस उसी से ही इंजॉय कर रहे थे। तो ये पार्टी पॉपर्स ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने इंडिया में ये वाले कभी देखे नहीं, पता नहीं अब आने लग गए हों पर अभी काफ़ी टाइम हो गया है तो ये वाले पटाखे नहीं देखे, पर ये बहुत ही मस्त है, मस्त अपन इसको इवन ऐसा टैप करके भी फोड़ सकते हैं, तो बड़ा ही मज़ेदार है। मम्मा की भी एक पूछ। मैंने अपनी फ्रेंड के यहाँ ये नाश्ता देने जा रही थी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इस बार क्या क्या बनाया दिवाली पे। तो मैंने बनाया है ये कॉर्न चिवड़ा, मीठे शक्कर पारे, नमकीन पारे और ये गणी और हलवा जो आज का प्रसाद है। तो अगर आप ये गणी आप लोगों में से कितनों के यहाँ बनती है ये, मैंने तो बहुत मतलब मेरी फ्रेंड्स के यहाँ तो बनती नहीं है, हम लोग ही ये बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हो इसकी रेसिपी, ये बहुत ये मठरी जैसी है पर ये आटे और बेसन की बनती है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तो बस ये बनाया है मैंने दिवाली का नाश्ता। पूजा हो गई है और अब हम कर रहे हैं डिनर, तो मैंने कुछ ऐसा स्पेशल नहीं बनाया है, कुछ भी नहीं बनाया है, सुबह का जो बचा था सुबह का इसलिए बच गया क्योंकि आज अंशुल का ऑफिस लंच था, दिवाली लंच, तो वहाँ चले गए थे, मुझे याद नहीं रहा कि इनको जाना है, तो मैंने अभियान का स्कूल लंच बनाते हुए साथ में प्रिपेयर कर लिया था, तो बस वही खाना बच गया था और अंशुल ऑफिस से भी थोड़ा सा लंच ले आए थे तो हम वही खा रहे हैं। तो बस मैं अपना यही ब्लॉग अपना ख़त्म करती हूँ, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर।